जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं दामोदर राव, आज फिर हम लोग रिदम म्यूजिक स्टूडियो में आज एक नई गायिका के लिखे हम रिकॉर्डिंग किए हुए हैं, जिनका नाम है कल्पना मंडल, जो आपके सामने बैठी हुई हैं। नमस्ते। और जी, बहुत अच्छा गाई हैं और गाती भी हैं। पहली बार यहाँ पर रिकॉर्डिंग हुआ, और इनके पीछे बैठे हुए इनके पिताजी जयप्रकाश मंडल जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका गाना सुन के। इन्होंने आज हिंदी गाना यहाँ पे रिकॉर्डिंग किया गया इनका, और आज है 24 दिसंबर 2020। हम लोग पुराने साल को अलविदा कह रहे हैं, नए साल 2021 में जल्द ही 6-7 दिन के बाद एंट्री करेंगे। आज 24 दिसंबर का मतलब कि आज हमारे बॉलीवुड के बहुत अच्छे कलाकार अनिल कपूर जी का जन्मदिन है। अनिल कपूर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अनिल कपूर का जन्म 24 दिसंबर 1956 को हुआ था, आज वो 64 साल के हो गए। हैप्पी बर्थडे टू अनिल कपूर साहब, जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही आज 24 दिसंबर मतलब हमारे हिंदी सिनेमा के बेताज बादशाह, शुरू के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब का आज उनका जन्मदिन है। 24 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था, जिन्होंने भारत में इतिहास रच के चले गए। उनका नाम अमर रहेगा जब तक ये धरती रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, उनका नाम भुलाया नहीं जा सकता। हजारों गाने उनके सुपरहिट है, जुबान पे हैं, हर दिन 24 घंटा उनका कहीं ना कहीं गाना बजते रहता है। बहुत बड़ा नाम है, न भूतो न भविष्यति, मोहम्मद रफ़ी बना नहीं जा सकता है। वो ईश्वर की कृपा थे, ईश्वर के दूत थे, ईश्वर के एक भेजे हुए वो संदेश वाहक थे, एक धरती के धरोहर थे। उनको मैं बार बार नमन करता हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्मदिन पर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो आज इस स्टूडियो में कल्पना मंडल जी आई हुई हैं, बैठी हुई हैं। हम चाहेंगे कि 2 शब्द आप लोगों से बात करें, क्या कहना चाहेंगी और कैसा लगा आज की रिकॉर्डिंग, बताती हैं। नमस्कार आप सभी को। मैं कल्पना जयप्रकाश मंडल, और आज यहाँ रिदम म्यूजिक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुआ। बहुत ही प्यारा गीत रिकॉर्डिंग हुआ, और दामोदर राव जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। और पहली बार रिकॉर्डिंग की, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है आएगा तो बहुत सुंदर लगेगा आप सभी को भी। और आप सभी से ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद की कामना है। बस जी, जयप्रकाश मंडल जी बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे 2 शब्द वो भी बोले, थोड़ा मुखातिब होके। नमस्कार, मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब का भी जन्मदिन है और अनिल जी कपूर साहब का भी जन्मदिन जी है, जी जी उनको भी बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। जी और यही कामना है आप लोगों से कि कोरोना का टाइम है, थोड़ा सतर्क रहिए, स्वच्छ रहिए, और आसपास में सभी को थोड़ा समझा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क मास्क लगाए लगा के चलिए और सैनिटाइज से हाथ बराबर धोते धोते रहिए। रहिए हमारा जो कर्तव्य है उसको पूरा करना है, जी और कोशिश करना है कि ये जो काल है हमारा कोरोना काल, ये साल में समाप्त हो जाए समाप्त हो और जाए, हमारे जो नया साल है वो नई उमंग के साथ नई ताजगी और के साथ। नए ताजगी के साथ हम लोग सब हंसी खुशी से, प्यारे दोस्त और सब लोग साथ में रहे, और ऐसे ही उत्साहित हमारा सभ्यता रहे बना बहुत हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए, हम लोग पुराने साल को छोड़ रहे हैं, और खासकर कल परसों से महाराष्ट्र में 5 जनवरी तक कर्फ्यू लगाया गया है। रात में, ग्यारह रात से में छह 11 बजे से सुबह छः तक बजे तक सुबह में बाहर कोई दिखना नहीं चाहिए, 3 से 4 आदमी। कोई हल्ला हुड़दंग नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई शोबाजी नहीं, कोई इधर उधर घूमना नहीं है। ये ताकि लोग हुड़दंग कर दे नए साल पे, इसलिए ये कर्फ्यू लगाया गया है। इसका हमें पालन करना है, पालन इसलिए करना है कि कोरोना को भगाना है, और कोरोना भाग चुका है, बस थोड़ा बहुत है। वैसे बिना मास्क का आज भी मुंबई में एक आदमी आपको बाहर नहीं दिखेगा, कारण कि थोड़ा प्रशासन का डर है और थोड़ा सा कोरोना का भी, और डरना भी जरूरी है इस कोरोना काल में। तो हम जब डरेंगे तभी इसको डरा पाएंगे और भगा पाएंगे। ये हम निर्णय लें कि नए साल में इसको भगा कर ही दम लेंगे। नया साल हमारा साफ सुथरा, स्वच्छ, निर्मल, एकदम स्वस्थ रहेगा। तो नई ताजगी, नई स्फूर्ति के साथ नए साल में हम लोग एंट्री करेंगे। और ध्यान रखिए, ये कल्पना मंडल जी हैं, बहुत कम उम्र है, लेकिन कम उम्र में इनकी आवाज़ में वो कशिश है, वो दर्द है, वो फीलिंग्स है, कि आप लोग गाना सुन के मतलब प्रभावित होंगे। बहुत सुंदर गाना आज रिकॉर्डिंग हुआ है, इनका गाना जरूर सुनिएगा। इनका गाना सुनने के लिए आप लोग
यूट्यूब पे लिखेंगे कल्पना मंडल या कल्पना जयप्रकाश मंडल तो सॉन्ग इनका गाना आएगा। हमारी शुभकामना है कि ये बहुत आगे बढ़े और आप लोग का प्यार दुलार यूं ही मिलता रहे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, आप लोग अपना ख्याल रखिए, जय हो।